बिजनौर खबर टीवी में आपके स्वागत है। आज बिजनौर में एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए लड़कों का पेट्रोल पंप कर्मचारी से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक जा पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर कोतवाली शहर के हरिद्वार रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए बाइक सवार युवकों ने कम तेल डालने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी के दूसरे साथी बाइक सवार युवकों से भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ओर से दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए, जिनके बीच मारपीट भी हुई। मारपीट की वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पेट्रोल पंप कर्मियों ने बताया कि बाइक सवार लड़कों ने उनसे अपनी बाइक में 200 का तेल डलवाया था, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी ने तेल डाल दिया था, लेकिन बाइक सवार युवकों का आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मी ने पूरे पैसों का तेल नहीं डाला। इसी बात को लेकर बाइक सवार युवकों में और पेट्रोल पंप कर्मियों में जमकर मारपीट भी हुई। मारपीट में बाइक सवार युवकों की ओर से कुछ महिला भी झगड़े में शामिल हो गई, जो पेट्रोल पंप कर्मियों को खरी खोटी सुनाने में जुट गई। वहीं पेट्रोल पंप मैनेजर ने कहा कि मामले की शिकायत पुलिस से कर दी गई और कुछ देर बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। दोनों पक्ष किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मैनेजर साहब, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम जी, आपके पेट्रोल पर भी मारपीट हुई, क्या मामला है? जो एक ग्राहक आए थे, ये 200 रुपये पेट्रोल दे रहे थे, वो लड़का तेल डाल रहा था, तो डालते डालते ग्राहक बीच में कह रहा है, ये कम दे रहे हो, तेल पूरा नहीं दे रहे हो, और गाड़ी को दोष करने लगा जबकि वो तेल नियम अनुसार डाल रहा था, और उसके साथ मारपिटाई करने लगे, और उसके बाद में यहाँ से चले गए। जब कम से कम 20-30 लड़कों को रोड पर बुलाकर हमारे साथ बदतमीजी और मारपिटाई शुरू कर दी। अब क्या हुआ? अब गैर रिपोर्ट कर दी गई है, और जैसा कुछ होगा वो अनुसार कार्रवाई चाह रहे हैं।